अस्सलामुअलैकुम। खबर की दुनिया से मैं हूं सैयद आयशा नाज और वक्त है दुनिया हेडलाइंस का। अल्ताफ हुसैन कहते हैं, रोने से हकूक नहीं मिलते, अमली जद्दोजहद करना पड़ती है। सिंधियों की हुकूमत के बावजूद सिंधी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। चौधरी निसार का कहना है कि हुकूमत और फौज मिलकर मुजाकरात का अमल आगे बढ़ा रहे हैं, अस्करी तालिबान कैदियों की रिहाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। स्थान है फरूख मंडी में यूनाइटेड बलोच आर्मी मुलविस नहीं, वजीर दाखिला का मौकिफ, कहते हैं अमरूद की पेटियों में बारूदी मवाद जनूबी पंजाब से बसों के जरिए लाया गया। ख्वाजा साद रफी कहते हैं, फौज और अदलिया पर तनकीद नहीं की जा सकती लेकिन आइन तोड़ने वालों को कौम माफ नहीं करेगी। शेख रशीद ने हुकूमत के लिए मौजूदा साल खतरनाक करार दे दिया। मुल्तान में खजाने की तलाश में सुरंग में उतरने वाले नौजवान को अभी तक निकाला ना जा सका, रेस्क्यू इदारों ने सर्च ऑपरेशन रोक दिया। शौहर से ताल्लुकात का शुबा, डेरा गाजी खान में बीवी ने पाक में वॉक करने वाली खातून की नाक काट दी, मुलजिमा गिरफ्तार। और फ्रांस में पहली बार कलर रन रेस, हर तरफ रंग ही रंग बिखर गए।